हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 16 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ, अभी मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी बोलना चाहूँगा कि 16 तारीख के लिए गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मुझे पता है कि इस बात को सुन के आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखिए अभी मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ और क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि रेगुलर गेम सक्सेस देखने के बाद कभी कभार ऐसा हो जाता है, एक दिन के जगह दो दिन सक्सेस नहीं होता है, मिस हो जाता है, ऐसा कभी कभार हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो एक दिन सक्सेस नहीं होता है। मैं जितना भी आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, गेम दिखाता हूँ, उसमें से देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है तो एक दिन नहीं होता है, लेकिन कभी कभार महीने में एक बार या दो बार ऐसा दिन आता है कि रेगुलर दो दिन मिस हो जाता है, कभी कभी दो दिन सक्सेस नहीं होता है, कभी कभी हफ्ते में दो दिन सक्सेस नहीं होता है, लेकिन ये कभी कभार होता है, रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा हमें सक्सेस ही मिलता है। देखिए, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि इससे पहले जो वीक गया है, इससे पहला जो हफ्ता गया है, इससे पहला जो वीक गया है, उसमें देखिए पूरे हफ्ते में हमें रेगुलर चार दिन या पाँच दिन हमें रेगुलर सक्सेस मिला था, ठीक है। उससे पहले अगर वीक के बारे में बात करें, उससे पहले वीक में हमें छः दिन रेगुलर सक्सेस मिला था, और इस वीक में भी देखिए मंडे को भी सक्सेस मिला था, ट्यूसडे को भी सक्सेस मिला था, वेडनेसडे को भी सक्सेस मिला था, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे दो दिन सक्सेस नहीं हुआ है। अभी बाकी रह गया सैटरडे, अभी देखते हैं। मैंने एकदम जितना भी स्ट्रांग हो सकता है सैटरडे के लिए, जो कि 16 तारीख के लिए, मैंने एकदम स्ट्रांग ही निकाला है। ओटीसी भी बहुत स्ट्रांग निकाला है, जो स्ट्रांग निकला है वही निकाला है, और जोड़ी भी जो एकदम स्ट्रांग निकला है वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है रेगुलर गेम सक्सेस देखने के बाद एक दिन के जगह दो दिन सक्सेस नहीं होता है, मिस हो जाता है। अभी क्या ही कर सकते हैं, मैं भी आप लोग, मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, रेगुलर सक्सेस देखने को मिलता है। ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि रेगुलर गेम सक्सेस होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे, मतलब कि आप लोग समझेंगे। देखिए, समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि रेगुलर सक्सेस देखने को मिलता है वो भी आप लोग देखिए, ठीक है, वो भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे पता है कि आप लोग बहुत उदास हो गए होंगे, नाराज़ हो गए होंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बस जितना भी मैंने बोला है यही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, ठीक है। देखिए, आप लोगों को बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता कि मुझे भी कितना, मतलब कि दुख होता है, कितना बुरा लगता है, लेकिन अभी जितना भी हो सका है मेरे तरफ से, मैंने एकदम बहुत स्ट्रांग निकाला है 16 तारीख के लिए। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। अभी जो हम 16 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, आप लोग लाइन को पूरा देखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखो, लाइन को पूरा देखो, उसके बाद अगर आप लोगों को लेना है, देखना है तो देखो, नहीं देखना है मत देखो, ठीक है। अगर आप लोगों को स्ट्रांग लगता है, अगर लगता है कि हाँ ये आने का चांस है, तो ही आप लोग लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आगे देखिएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लाइन देखेंगे। तो देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे, लाइन यहाँ पर 15 तारीख के गेम से लाइन देखेंगे, जो कि 15 तारीख के गेम से ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे, और क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे। मतलब कि तीन लाइन देखेंगे, तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर 16 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 5, 6, 7 का अंक। उसके बाद सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 81 का जोड़ी गेम। और थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 5, 6, 0 का अंक। तो अभी देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, और थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो आप लोग लाइन को भी अच्छे से ध्यान से पूरा देखिएगा,
क्योंकि लाइन को आप लोग पूरा देखोगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कौन सा ओटीसी स्ट्रांग होगा, कौन सा जोड़ी स्ट्रांग होगा। तो लाइन को आप लोग तीनों लाइन को पूरा देखिएगा, ठीक है। अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे जो कि ओपन पैनल से। तो फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, ओपन पैनल पर यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पर यहाँ पर देखिए 5, 6, 7 का अंक। तो अभी देखिए सबसे पहले 5 और 6 को जोड़ेंगे 11 का अंक बनेगा, 11 से 1 को लिखेंगे 1 रहने देंगे, 6 और 7 को जोड़ेंगे 13 का अंक बनेगा और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 14 का अंक बनेगा। उसके बाद 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 का अंक बनेगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 का अंक बनेगा, 2 और 5 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 7 और 3 का अंक बनाए। तभी देखिए हम लाइन इस लाइन को और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, जो कि फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से। तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 5, 6, 7 का अंक। तो सबसे पहले हमने 5 और 6 को जोड़ा 11 का अंक बना, 11 से 1 को लिखा 1 रहने दिया, 6 और 7 को जोड़ा 13 का अंक बना और 1 जो रह गया था उसको लिया फिर से 14 का अंक बना। उसके बाद 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, उसके बाद 1 और 4 को जोड़ा 5 का अंक बना। उसके बाद देखिए 2 और 5 को जोड़ा 7 का अंक बना, 2 और 5 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक बनाए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 7 और 3 का अंक बनाए। तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 7 और 3 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हो गया है, अभी हम सेकंड लाइन देखेंगे। सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 81 का जोड़ी गेम। तो फिर से यहाँ पर देखिए हम 8 और 1 को जोड़ेंगे, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा, उसके बाद 8 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 7 का अंक बनेगा। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से देखिए 9 और 7 का अंक बनाए। सेकंड लाइन जोड़ी गेम में क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 81 का जोड़ी गेम। तो सबसे पहले हमने 8 और 1 को जोड़ा 9 का अंक बना, उसके बाद 8 और 1 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 7 का अंक बनाए। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 9 और 7 का अंक बनाए। तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए 9 और 7 का अंक बनाए। तो अभी देखिए सेकंड लाइन भी हो गया है, मतलब कि फर्स्ट लाइन भी हो गया है, सेकंड लाइन भी हो गया है, अभी रह गया थर्ड लाइन। तो अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे। तो देखिए थर्ड लाइन कहाँ से देखेंगे, थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए क्या था, क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए 5, 6, 0 का अंक। तो अभी देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे 11 का अंक बनेगा, 11 से 1 को लिखेंगे 1 रहने देंगे, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 का अंक बनेगा और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 8 का अंक बनेगा। उसके बाद 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा, 1 और 8 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 7 का अंक बनेगा। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 9 और 7 का अंक बनाए। तभी हम इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेते हैं कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमने 5 और 6 को जोड़ा 11 का अंक बना, 11 से 1 को लिखा 1 रहने दिया, 6 और 1 को जोड़ा 7 का अंक बना और 1 जो रह गया था उसको लिया 8 का अंक बना। उसके बाद 1 और 8 को जोड़ा 9 का अंक बना, उसके बाद 1 और 8 को फिर से माइनस किया है तो यहाँ पर देखिए फिर से 7 का अंक बनाए। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 9 और 7 का अंक बनाए। तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 9 और 7 का अंक बनाए। तो अभी देखिए थर्ड लाइन भी हो गया है, मतलब कि अभी देखिए तीनों लाइन हो गया है, फर्स्ट लाइन भी हो गया है, सेकेंड लाइन भी हो गया है और थर्ड लाइन भी हो गया है। तो अभी देखिए कौन से लाइन से क्या क्या अंक निकला है वो देखिए। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 7 और 3 का अंक देखने को मिला है, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 9 और 7 का अंक देखने को मिला और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी 9 और 7 का अंक देखने को मिला है। तो अभी देखिए जो हमें यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, ये तीनों लाइन अभी भी पहला लाइन हुआ है, ठीक है। मतलब कि अभी हम इनसे और एक करके लाइन करेंगे, उसके बाद जो अंक निकलेगा, उसके बाद जो अंक देखने को मिलेगा वो होगा फाइनल गेम के लिए अंक, मतलब कि वो जाएगा फाइनल गेम में, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं।
तो देखिए, फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 7 और 3 का अंक देखने को मिलता। तो अभी हम देखिए 7 और 3 को सबसे पहले माइनस करेंगे, ठीक है। 7 और 3 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 का अंक बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में 4 का अंक, उसके बाद देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 9 और 7 का अंक बना था। अभी हम 9 और 7 को फिर से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। तो देखिए सेकेंड लाइन में 2 का अंक, उसके बाद देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 9 और 7 का अंक बना था। अभी देखिए हम 9 और 7 को फिर से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। लेकिन देखिए 2 का अंक सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से पहले से ऑलरेडी देखने को मिला है, तो इसलिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी 2 का अंक निकला है, इस 2 के अंक को हम नहीं देखेंगे, 2 के फैमिली को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 2 का फैमिली 7 का अंक, क्योंकि 2 का अंक पहले से निकला है इसीलिए। तो अभी देखिए फर्स्ट लाइन में 4 का अंक निकला है, सेकेंड लाइन में 2 का अंक निकला है और थर्ड लाइन में 7 का अंक निकला है। 3 लाइन के हिसाब से 3 अंक निकला है, लेकिन अभी भी हमें और एक अंक चाहिए, मतलब कि हमें 4 अंक चाहिए। तो और एक अंक चाहिए, तो और एक अंक में हम क्या अंक देखेंगे, देखिए जैसे कि देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से 2 का अंक निकला है और 2 का फैमिली थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 7 का अंक देखने को मिला है। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 4 का अंक निकला है, तो 4 के फैमिली को हम और एक अंक में देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 4 का फैमिली 9 का अंक, ठीक है, इसको हम और एक अंक में देखेंगे। तो अभी देखिए लाइन पूरा हो गया है, 4 अंक निकल गया है, तो लाइन पूरा हो गया है। तो अभी हम इन सबको कट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं और गेम में देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग ओडिसी में कौन सा जाएगा और नॉर्मल ओडिसी गेम में कौन सा जाएगा, ठीक है, वो अभी आप लोग देखिए। स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए 4 और 9 का अंक जाएगा स्ट्रॉन्ग ओडिसी में, और नॉर्मल ओडिसी में 2 और 7 का अंक जाएगा, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में 4 और 9 का अंक देखने को मिला और नॉर्मल ओडिसी गेम में 2 और 7 का अंक देखने को मिला है। ओटीसी का हो गया। अभी मैं आप लोगों को जोड़ी दिखाऊंगा, जो मैंने आप लोगों के लिए जोड़ी निकाल के रखा है। देखिए जोड़ी आज एकदम स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग जोड़ी निकला है वही मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाल के रखा है, वही दिखाऊंगा। तो आप लोग देखिए ध्यान से जोड़ी में क्या क्या है। जोड़ी में यहाँ पर देखिए ये कुछ जोड़ी निकला है, तो जोड़ी में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले 24 का जोड़ी, 29 का जोड़ी, 74 का जोड़ी, 79 का जोड़ी, 44 का जोड़ी, 49 का जोड़ी, 94 का जोड़ी और 99 का जोड़ी, ठीक है, ये कुछ जोड़ी निकला है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। और ओटीसी में देखिए स्ट्रॉन्ग ओटीसी गेम में 4 और 9 का अंक देखने को मिलता और नॉर्मल ओटीसी गेम में 2 और 7 का अंक देखने को मिलता, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, तो देखिए गेम देखने को मिल गया, जो कि यहाँ पर 16 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। अगर वीडियो में कहीं पर भी कुछ समझने में कुछ दिक्कत हुआ है तो आप लोग वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।